मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के कचहरी रोड पर नाले पर निर्माण कार्य को लेकर पीड़ितों व भाजपा के पार्षदों ने रोड पर धरना प्रदर्शन कर नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पुराने यूनिटी लैब के सामने नाले पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर रहवासियों व भाजपा के पार्षदों ने सवाल उठाते हुए नाले पर हो रहे निर्माण कार्य को गलत बताया। नगर पालिका के कार्यशैली पर उठाए सवाल, वहीं निर्माण कार्य करवाने वाले अब्बासी अकबर अली ने बताया, हमारे पास निर्माण कार्य की अनुमति NOC के सभी दस्तावेज हैं। इस संबंध में लोकहित याचिका लगाई गई थी जो न्यायालय ने खारिज कर दी। जिला मुख्यालय के कचहरी रोड स्थित पुरानी लैब संचालक व पास में रहने वाले मोतीलाल राठौड़ का रास्ते को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। बड़वानी से अतुल कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अशोक राठौर। ये यहाँ रोड पे क्यों बैठे हो? क्या रोड पे साफ सीधे सीधे दिख रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण यही हो रहा है, उनके परिवार के द्वारा अन्य जगह भी हुआ है, हो रहा है और भविष्य में होगा भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप बड़वानी की किसी भी जनता से अंदर से सब जानती है। बस यहाँ खड़े कुछ लोग है और मैं किसी का नहीं आने का वो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जान बता रहा हूँ, ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये होने वाला है, हुआ भी था, हो भी रहा है और भविष्य में भी होगा। इसको इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ भी वही गलती फिर हो रही है। क्या हुआ यहाँ? क्या फिर पब्लिक चुपचाप बैठेगी और फिर ये अतिक्रमण हो जाएगा। फिर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र निगम। किस पद पे हो भाजपा? वार्ड प्रभारी हूँ। यहाँ धरना आंदोलन किस कारण से दिया जा रहा है? ये नाले पे अतिक्रमण हो रहा है और हमने CMO साहब से निवेदन किया था कि ये गलत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय से मिले थे तो उन्होंने बताया है कि इनको कोर्ट से परमिशन हुई है, वो कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट के डिसीजन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और गलत तरीके से ये परमिशन लेके बना रहे हैं। इसके विरोध में हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। बिल्कुल टोटल सरासर जो धरना प्रदर्शन करने वाले जो कह रहे हैं कि वहाँ पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया जा रहा है, मेरे पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। लीज पर ज़मीन लेने के पहले नुजूल विभाग की NOC, टाउन एंड कंट्री की NOC, नगर पालिका की NOC, PWD की NOC, उसके बाद मैंने आवेदन दिया नगर पालिका में। नगर पालिका परिषद ने बाकायदा मुझे लीज पर ज़मीन दी है और मैंने निर्माण कार्य उस वक्त चालू किया था सन 2014 में। उसके बाद मोतीलाल राठौड़ ने काफ़ी आपत्तियाँ ली और फिर इसने जो है इंदौर हाईकोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका लगाई थी जिसमें 4 लोगों को पार्टी बनाया था, कलेक्टर कार्यालय, SDM, नगर पालिका CMO और मुझे स्वयं को। वहाँ पर याचिका की सुनवाई करने के बाद में हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है और मेरे पक्ष में फैसला दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।